फिर के बाद स्वागत है आपका। टीकमगढ़ में एक 80 साल के बुजुर्ग ने 75 साल की महिला के साथ शादी रचाई। इस अनोखे शादी में पूरा गांव शरीक हुआ। पैदपुरा गांव के रहने वाले सूखे कुशवाहा को 50 साल पहले हिरिया से प्रेम हुआ और दोनों ने साथ जिंदगी गुजारने का फैसला ले लिया, लेकिन परिवार और समाज ने इसकी इजाजत नहीं दी, लिहाजा दोनों बिना शादी के साथ रहने लगे। सूखे और हिरिया का भरा पूरा परिवार है। उम्र के आखिरी पड़ाव में सूखे ने हिरिया के साथ साथ फेरे लेने का फैसला किया और परिवार के सामने प्रस्ताव रखा। परिवार ने उनकी इच्छा को खुशी खुशी स्वीकार किया और दोनों की हिंदू रीति रिवाज से शादी हो गई। शादी में सारी रस्में निभाई गई। पहले मुहूर्त निकला, फिर रस्में हुई और फिर धूमधाम से दूल्हे की बारात निकली। इस अनोखी शादी में पूरा गांव बाराती बना। बच्चों बुजुर्ग नाचते हुए गाते हुए दुल्हन के दरवाजे पर पहुंचे और वर वधु ने एक दूसरे के गले में जयमाला डालकर एक दूसरे को स्वीकार कर लिया। ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस अनोखी शादी को रचाया गया। ना सिर्फ सारी रस्में निभाई गई पूरी रीति रिवाज के साथ, बल्कि पूरे गांव ने इस शादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बारात निकाली गई धूमधाम से, क्या बुजुर्ग क्या बच्चे सभी नाचते गाते दुल्हन के दरवाजे पर पहुंचे और फिर उसके बाद ये शादी हुई। 50 साल पहले प्रेम हुआ, वही मोड़ा भाई सियाने हो गए, उनके ब्याह भी हो गए। तो कई के ऐसे अब मोड़ी मोड़ा नहीं हुआ तो शादी का दो सुगाव मान से कई सुगाव मान ने शादी करा ली। दोनों प्रेम बढ़ेगा हमारा से सुबह बस बाल बच्चे भी है और मोड़ी मोड़ा होगा दो मोड़ा भाई दो मोड़ी में वो फिर नाती और नाते बन में आ गई। अभी आपकी उम्र कितनी है? हमारी 80। पहले क्या आपकी शादी नहीं हुई? हाँ नहीं भाई थी भाई।